हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पाई स्टडी सर्कल। मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ और आज के इस वीडियो में हम आपके साथ में डिस्कस कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस। और हमारी जो बुक है पॉलिटिकल साइंस क्लास ट्वेल्थ की, सेकंड बुक हमारी स्टार्ट हुई है, सेकंड बुक पॉलिटिकल साइंस क्लास ट्वेल्थ। और चैप्टर का जो हमारा टाइटल है वो है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। ये हमारे चैप्टर का टाइटल है, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। इससे पहले भी हमारा इसका एक प्रीवियस लेक्चर आप तक पहुँचाया गया है, उसमें हमने राष्ट्र निर्माण की जो चुनौतियाँ, चैप्टर नंबर 1 था, उसमें हमने जाना था कि पृष्ठभूमि क्या थी, पंडित नेहरू के द्वारा दिया गया ऐतिहासिक भाषण क्या था, उसका नाम था ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। और इसके अलावा जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत के समक्ष कौन सी तीन प्रमुख चुनौतियां थी, इसके बारे में भी हमने अध्ययन किया है। इसमें से तीन चुनौतियों के बारे में बताया गया है। आज के इस लेक्चर के अंदर हम चर्चा कर रहे हैं विभाजन के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण ये हमारा टॉपिक है, विभाजन, बंटवारा, पार्टीशन। और इसे समझने के लिए आपको बहुत थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में अनेकों बार पूछे जाते हैं और संभवतः हो सकता है कि इस बार भी आपकी परीक्षा में विभाजन से संबंधित कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाए। तो आइए आज के इस लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को बिना किसी देरी के सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें और साथ ही कमेंट करना भी ना भूलें। तो यहाँ देखिए, यहाँ सबसे पहले हमारा टाइटल है वो है भारत पाक विभाजन। और आज हम चर्चा करेंगे कि विभाजन के कारण क्या थे और उसके कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि उसके परिणाम क्या निकल कर आए। तो जैसा कि आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर भारत का मानचित्र बना हुआ है और ये जो भारत का मानचित्र है इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा पश्चिम की तरफ हमारा एक पड़ोसी देश है, जहां पर मैंने लिखा हुआ है उसे पश्चिमी पाक और यहां पर पूर्वी पाक। अब आप कहोगे यहां तो बांग्लादेश है तो मैंने पूर्वी पाक क्यों लिखा है। मैंने वो ठीक लिखा है क्योंकि आप देखोगे कि ये वाला जो क्षेत्र था और ये वाला, ये दोनों जो हमारे आज पड़ोसी देश है, यहां बांग्लादेश और यहां पर पाकिस्तान, ये दोनों देश हमारे ही अंग थे, ये भारत का ही एक अभिन्न हिस्सा हुआ करता था। लेकिन आप देखोगे 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि से पहले तक, 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि आधी रात से पहले तक पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये जो दो हमारे आज वर्तमान में पड़ोसी देश हैं, ये भारत का ही एक हिस्सा थे। और किस तरीके से भारत से अलग होकर बना पाकिस्तान, कैसे अस्तित्व में आया, आज उसी के कारणों के बारे में और उसके बाद उसके परिणामों के बारे में हम अपने इस लेक्चर के अंदर प्यारे दोस्तों चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें देखना है कि ये तो पश्चिमी पाक बना। देखिए, जब भारत से अलग होकर पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान कितने बने थे, पाकिस्तान उस समय दो बने थे, एक पश्चिमी पाकिस्तान बना था और एक पूर्वी पाकिस्तान बना था। क्योंकि जब विभाजन की बात आई थी और मुस्लिम लीग के द्वारा विभाजन का प्रस्ताव सामने लाया गया था तो उस समय कांग्रेस ने विभाजन के प्रस्ताव को पहले स्वीकार नहीं किया, लेकिन उसके बाद आप देखोगे कि जैसे ही देश के अंदर सांप्रदायिक दंगे बढ़े, हिंदू मुस्लिम दंगों में वृद्धि हुई, तो उसके बाद कांग्रेस ने भी देश के विभाजन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और आखिरकार भारत का विभाजन हुआ। लेकिन समस्या ये थी कि भारत का विभाजन किस प्रकार से किया जाए, कौन से हिस्सों को पाकिस्तान में और कौन से हिस्सों को भारत में शामिल किया जाए। तो इसके लिए यह तय किया गया कि जहां पर मुसलमान बहुसंख्यक होंगे, ज्यादा तादाद में होंगे मुसलमान, उन्हें पाकिस्तान में शामिल किया जाएगा और जिन क्षेत्रों में जो हमारे
गैर मुस्लिम यानी कि हिंदू और सिख होंगे उन क्षेत्रों को भारत में सम्मिलित किया जाएगा। तो केवल दो ऐसे क्षेत्र थे जब क्षेत्रों का चयन किया गया, तो दो ऐसे क्षेत्र थे जहां मुसलमान बहुसंख्यक थे, एक बिल्कुल पश्चिम वाला इलाका था तो दूसरा एक पूर्वी इलाका था। और ऐसा कोई तरीका नहीं था कि इन दोनों क्षेत्रों को आपस में जोड़ दिया जाए या मिला दिया जाए। और इसीलिए आप देखोगे कि दो पाकिस्तान बने, दो पाकिस्तानों का निर्माण हुआ 1947 में। और यहां पर आपका पश्चिमी पाक अस्तित्व में आया, तो यहां पर बन गया आपका पूर्वी पाक। अब ये जो पूर्वी पाक था, ये देखेंगे आप असम और पूर्वी बंगाल, असम के कुछ क्षेत्र को और पूर्वी बंगाल के क्षेत्रों को जोड़ने के बाद तब पूर्वी पाक अपने अस्तित्व में आया था। तो यहां पर पूर्वी पाक और यहां पर पश्चिमी पाक। और ये जो आपका पूर्वी पाक है 1971 में ये पूर्वी पाक बन गया एक नया देश जिसको हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। और इसकी राजधानी बनी ढाका और इसके प्रथम जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था शेख मुजीबुर रहमान। और यदि हम बात करें वर्तमान प्रधानमंत्री की, तो बांग्लादेश की वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है शेख हसीना। और शेख हसीना की जो ये रिश्ते में हैं वो हैं पुत्री, इनकी बेटी है ये। जैसे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी इंदिरा गांधी जो बाद में प्रधानमंत्री बनी, इसी प्रकार से आप देखोगे बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान और वर्तमान प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच में जो रिलेशन है वो डॉटर का और फादर का रिलेशन है, ये इनकी बेटी है। तो यहां पर पूर्वी पाक बन गया बांग्लादेश और आज जो पाकिस्तान है वो बस इतना ही है जितना यहां पर आपको पश्चिमी पाकिस्तान के रूप में नजर आ रहा है। तो ये आपको बताया गया कि पहले बांग्लादेश और पाकिस्तान भारत का हिस्सा था, भारत से अलग होकर ये दो नए देश अस्तित्व में आए। लेकिन उससे पहले आपको ये भी जानना जरूरी है कि 1971 से पहले बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था और ये वाला जो हिस्सा इसको पश्चिमी पाक कहते थे। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय पाकिस्तान दो बने, पश्चिमी पाक और पूर्वी पाक, ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरी बात, पूर्वी पाक को आज हम बांग्लादेश कहते हैं। लेकिन अब हमें चर्चा करनी है कि भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ उसके लिए कौन से कारक, कौन से ऐसी वजह थी जो जिम्मेदार थी, उत्तरदायी थी। तो सबसे पहले आप यहां देख रहे हैं विभाजन के कारण। तो विभाजन के कारणों की यदि हम चर्चा करें तो यहां पर आप देखोगे मुस्लिम लीग का उदय। एक दल था जिसका नाम था मुस्लिम लीग और मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी, मुस्लिम लीग की स्थापना मानी जाती है कि ये 1906 में गठित की गई थी, 1906 में ये दल बना था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। यदि मुस्लिम लीग के प्रमुख नेताओं की बात करें तो इसके प्रमुख नेता थे लियाकत अली खान और मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खान, मोहसिन उल हक, मोहम्मद इकबाल, ये प्रमुख नेता थे जो मुस्लिम लीग के नेता थे। और मुस्लिम लीग के उदय के बाद लगातार इस दल ने अपने आप को मुसलमानों के एकमात्र दल के रूप में प्रस्तुत किया और इस तरीके की राजनीति की जिससे देश में सांप्रदायिकता के अंदर वृद्धि हुई और हिंदू मुस्लिमों के बीच में दूरियां लगातार बढ़ने लगी। तो कहीं ना कहीं भारत और पाकिस्तान के विभाजन के लिए मुस्लिम लीग का उदय होना या मुस्लिम लीग का गठन होना भी एक प्रमुख कारण है, क्योंकि ये दल बना और बाद में इसने सांप्रदायिकता में वृद्धि का ही काम किया। दूसरा जो प्रमुख कारण रहा है विभाजन का वो रहा है द्विराष्ट्र सिद्धांत, इसको बोलते हैं टू नेशन थ्योरी। इसको टू नेशन थ्योरी कहा जाता है और यह सिद्धांत भी मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस सिद्धांत में यह कहा गया था कि भारत और जो भारत है
वो एक कौम का देश नहीं है, वो दो कौमों का देश है। यहाँ पर हिंदू भी रहते हैं या मुसलमान भी रहते हैं, और इस सिद्धांत में ये भी कहा गया था कि यहाँ पर हिंदू बहुसंख्यक हैं, ज़्यादा तादाद में हैं, और मुसलमान यहाँ कम तादाद में है, यानी अल्पसंख्यक हैं, और जो बहुसंख्यक हैं वो अल्पसंख्यकों का शोषण करेंगे या उनको बराबरी का अधिकार नहीं देंगे। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि इसका स्थायी समाधान केवल यही है कि अल्पसंख्यकों को एक अलग देश बनाकर दे दिया जाए, है ना। इसी को द्वि राष्ट्र सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। कई बार ये प्रश्न भी परीक्षा में आता है कि भारत और पाक का विभाजन किस सिद्धांत के आधार पर किया गया था, तो आपका उत्तर होना चाहिए भारत पाक का विभाजन द्वि राष्ट्र सिद्धांत के आधार पर किया गया था। भारत पाक विभाजन का जो तीसरा प्रमुख कारण है वो है कांग्रेस द्वारा विभाजन को स्वीकार करना। देखिए, मुस्लिम लीग के द्वारा विभाजन के प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था, लेकिन अगर कांग्रेस इस विभाजन के प्रस्ताव को स्वीकार ना करती तो भारत का विभाजन नहीं होता। लेकिन कांग्रेस ने भी बाद में जब देश के अंदर सांप्रदायिक हिंसात्मक घटनाओं में वृद्धि हुई तो कांग्रेस ने भी इस विभाजन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, और इस प्रकार आप देखोगे कि कहीं ना कहीं भारत और पाकिस्तान के विभाजन के लिए कांग्रेस के द्वारा विभाजन के प्रस्ताव को स्वीकार करना भी एक प्रमुख वजह था। इसके अलावा यहाँ पर फोर्थ पॉइंट है ब्रिटिश सरकार की नकारात्मक भूमिका। देखिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश सरकार थी, जब उसने भारत को स्वतंत्रता देने का निश्चय किया तो वह ये कभी नहीं चाहती थी कि भारत एक ऐसे देश के रूप में उभरे जो एक अखंड देश हो, है ना। और इसीलिए मुस्लिम लीग ने जब विभाजन को या विभाजन की मांग को उठाना शुरू किया तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तुष्टीकरण की नीति को अपनाया। ब्रिटिश सरकार ने तुष्टीकरण की नीति को अपनाते हुए ऐसा कोई सकारात्मक प्रयास नहीं किया कि जिससे भारत और पाकिस्तान का बंटवारा ना हो, बल्कि वह तो भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के लिए ही कहीं ना कहीं उत्सुक नजर आ रहे थे। तो ये आप देख रहे हैं कि ये भारत और पाकिस्तान के विभाजन के प्रमुख कारण रहे हैं। इसके अलावा हम देखेंगे भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ तो उसके किस तरीके के परिणाम निकल कर आए। तो पहले पॉइंट में लिखा है 10 लाख लोग सांप्रदायिक दंगों में मारे गए। जो लोग आपस में हजारों सालों से एक दूसरे के साथ मिलकर झुलकर रह रहे थे, एक दूसरे के पड़ोस में थे, वो हिंदू भी थे, वो मुस्लिम भी थे, ठीक है, लेकिन जब विभाजन हुआ तो दोनों ही समुदायों के बीच में नफरत, घृणा और एक दूसरे के प्रति इतना नफरत का भाव था कि दोनों ही एक दूसरे के साथ में हिंसा कर रहे थे। और हिंसा के अंदर आप देखोगे कि बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। एक आंकड़ा जो आपके सामने लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 1 के रूप में कि लगभग भारत पाक विभाजन की वजह से 10 लाख लोग सांप्रदायिक दंगों में मारे गए। इसके अतिरिक्त आप देखोगे सेकेंड पॉइंट में लिखा है 80 लाख लोग विस्थापित हुए। कुछ लोग जो पाकिस्तान में हिंदू थे वो लोग, और जो हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान थे वो लोग रातों रात अपना सामान, जो भी उनके आवश्यक जो भी सामान रहा होगा उसको उन्होंने लिया और रातों रात वो चल दिए, ठीक है। उनको ये लग रहा था कि शायद अब ये हमारा देश नहीं है, और वह रातों रात ही निकल लिए, ठीक है, दूसरे देश के लिए, दूसरे देश में जाने के लिए। तो उसका रिजल्ट क्या रहा कि लोग अपने जो घर बार थे, अपने पुरखों की ज़मीनें थी, अपने बचपन की यादें थी, उन सबको छोड़कर लोग जब गए दूसरे देशों के लिए, मतलब कि भारत से मुसलमान पाकिस्तान की तरफ और पाकिस्तान में जो नॉन मुस्लिम थे जब वो भारत की तरफ आए, तो कम से कम ये कहा जाता है कि लगभग 80 लाख लोग जो थे वो इधर से उधर हुए, यानी अदला बदली हुई, विस्थापित हुए लोग। और दूसरा आप देखेंगे परिवार भी उजड़ गए। परिवार कैसे उजड़ गए कि कुछ लोग परिवार के या उनके रिश्तेदार यहाँ रह गए तो वो वहाँ चले गए, वहाँ कुछ रिश्तेदार थे तो वो यहाँ आ गए। इस तरीके से आप देखोगे कि परिवार भी कहीं ना कहीं बिछड़ गए। अगर पुत्र वहाँ चला गया पाकिस्तान तो पिता यहाँ रह गए, है ना, या फिर बेटी यहाँ रह गई, पिता वहाँ चले गए। इस तरीके से आप देखोगे कि परिवार भी उजड़ गए।
लोगों को शरणार्थी जैसा जीवन बिताना पड़ा। जो लोग यहां से वहां गए या वहां से लोग यहां पर आए, भाई वो जब वहां से पलायन करके यहां आए या यहां के लोग वहां गए, तो उनके लिए कोई घर तो बन के तैयार थे नहीं कि भाई आते ही आपको मकान अलॉट हो जाएगा कि आप इस वाले मकान में रहोगे, आप इस मकान में रहोगे, ऐसा नहीं था। लोगों को शरणार्थियों की तरह जीवन जीना पड़ा, शरणार्थी शिविरों में पनाह लेनी पड़ी और उनको जो है बहुत लंबे समय तक, कई वर्षों तक, अनेक वर्षों तक उन्हीं शरणार्थी शिविरों के अंदर अपना जीवन यापन करना पड़ा। इसके लिए उनको मजबूर होना पड़ा। इसके अलावा कृषि क्षेत्र पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा। आप देखोगे कृषि क्षेत्र पर, जो हमारे यहाँ पर टोटल गेहूं जिस जमीन पर पैदा होता था, या कपास पैदा होता था, या जूट पैदा होता था, उसका देखो 40% भूमि पाकिस्तान को चली गई, 40% वो भूमि विभाजन में पाक के पास गई जिस पर कपास पैदा होता था, और लगभग 85% भूमि पाकिस्तान के पास चली गई। ये पाकिस्तान के पास गई ये वाली भूमि, 40% गेहूं के उत्पादन वाली, 40% कपास के, और 85% भूमि जिस पर जूट का उत्पादन होता था, वो विभाजन में पाकिस्तान के पास गई। तो कृषि क्षेत्र को भी काफी लॉस उठाना पड़ा, काफी नुकसान झेलना पड़ा। इसके अलावा महिलाओं के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, देखिए दोनों ही समुदाय के लोगों ने क्या किया, महिलाओं का अपहरण किया, उनसे जबरदस्ती विवाह किया गया, उनका शोषण किया गया, उनका धर्म परिवर्तन कराया गया। इस तरीके से महिलाओं के जीवन पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा। ठीक है प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर, ये सिलेबस, ये वीडियो आपको समझ में आ रही होगी। एक बार फिर से हम देख लेते हैं इसको बहुत ही ब्रीफ के अंदर। हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, सेकंड बुक है, यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, और हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा है भारत पाक विभाजन कारण और परिणाम। यहाँ पर भारत के बारे में बताया गया है, पहले ये पूर्वी पाक था, आज इसको बांग्लादेश कहते हैं, और पाकिस्तान आज बस इतना ही है जिसको पश्चिमी पाक कहा जा रहा है। ठीक है, लेकिन ये पहले भारत का हिस्सा था, लेकिन ये विभाजित होकर अलग देश बना। क्लियर है। अब ये विभाजित क्यों हुआ, इसके पीछे के कारण क्या थे, मुस्लिम लीग का उदय होना, राष्ट्र द्विराष्ट्र सिद्धांत था, कांग्रेस द्वारा विभाजन को स्वीकार करना, ब्रिटिश सरकार की नकारात्मक भूमिका। परिणाम आप देख रहे हैं, 10 लाख लोग विस्थापित हुए, 10 लाख लोग सांप्रदायिक दंगों में मारे गए, 80 लाख लोग विस्थापित हुए, परिवार उजड़ गए, लोगों को शरणार्थी जीवन जीना पड़ा, शरणार्थी शिविरों में रहना पड़ा, कृषि क्षेत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा, और महिलाओं के जीवन पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। ये हमने आज के इस लेक्चर के अंदर आपके साथ में डिस्कस किया है। अगर आपको इंग्लिश का सिलेबस भी पूरा करना है तो हमारा एक अदर चैनल है लर्न इंग्लिश, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको परीक्षाओं में इंग्लिश विषय के अंदर भी अच्छे अंक प्राप्त हो सके। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करें, और वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना भी ना भूलें। आज के इस लेक्चर के अंदर इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर के साथ में कुछ नई जानकारियों के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, कीप स्टडी इन पाई स्टडी।